एमएस धोनी उतर सकते हैं राजनीति में। भाजपा के राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, एमएस धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, न कि अन्य चीजों से। क्रिकेट क्षेत्र में बाधाओं से लड़ने की उनकी क्षमता और टीम के प्रयास नेतृत्व की सार्वजनिक जीवन में जरूरी है। एडवांस स्टेज में पहुंच चुके फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को एक बार फिर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि जरूरी टेस्ट करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। सस्ते फोन और सस्ती टीवी के बाद अब डेटल इंडिया भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर भी लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर से सफर महज 2 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। सोने के दाम में लगातार आती तेजी के बाद का यही सवाल है कि क्या अब सोने में ऐसी ही तेजी जारी रहेगी। हालांकि पिछले दिनों के दाम ने 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया था, लेकिन अब गोल्ड रेट कुछ निचले स्तर पर आए हैं। पिछले 24 घंटे में 63,489 नए मामले सामने आए। मरीजों के ठीक होने का दर 71.91% हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,89,000 के पास पहुंच गया। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 18.5 लाख से ज्यादा हो गई है। 8 साल की बच्ची का अपहरण करते प्रेमी प्रेमिका पकड़े गए। राजधानी रायपुर के दोलीबंद इलाके में 8 साल की बच्ची को अपहरण की कोशिश करते एक प्रेमी जोड़े को मोहल्ले वासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शनिवार शाम की है। व्हाट्सएप की टक्कर का टेलीग्राम ऐप अब दे रहा है प्राइवेट वीडियो कॉलिंग फीचर। टेलीग्राम ऐप पर अब तक यूजर्स को वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब टेलीग्राम ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर वीडियो कॉलिंग का ऑफर दे रहा है। कंगना रावत ने कहा, बीजेपी ने ऑफर की थी टिकट, लेकिन मैं राजनीति में जाने के बारे में नहीं सोचा। लालची ससुराल वालों ने दहेज ना मिलने पर नवविवाह की जहर देकर की हत्या। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खत्म हुए गतिरोध के बाद कांग्रेस आला कमान की ओर से अविनाश पांडे की प्रदेश प्रभारी पद से छुट्टी कर दी गई।